थैंक यू फॉर द पोज। अभी हम लोग पहुँचे हैं सुग्रीव केव। यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं सब बहुत ही क्लोज एंड वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं। सो आप जो भी टेम्पल के अंदर लाइक अचुतराया के अंदर आएंगे, उसके बाद आगे आगे वॉक करते जाएंगे, सारे टेम्पल आपको वहीं मिलते जाएंगे। सुग्रीव केव जो है ये तुंगभद्रा रिवर के एकदम बैंक पे ही है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स आउटसाइड बेसिकली। एंड ये सुग्रीव केव में यहाँ पे सीता मैया की जो ज्वेलरी है सुग्रीव जी को मिली थी जब रावण उनको किडनैप करके लेके जा रहे थे, एंड वही ज्वेलरी सुग्रीव जी ने राम जी को यहाँ दिखाई थी एंड माना जाता है उनके फुटप्रिंट यहीं पे पाए जाते हैं। ये हमारा व्यू है सुग्रीव केव से निकलने के बाद। हम उसकी लेफ्ट तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमको मिलेगा स्टोन चैरियट एंड वो है विठला टेम्पल पे। हम अभी स्टोन चैरियट देखने जा रहे हैं, लेट अस सी। एंड ये स्टोन चैरियट क्यों फेमस है यहाँ पे, एनीवन नोज था? अगर किसी को भी मालूम है कि ये स्टोन चैरियट फेमस क्यों है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ओके? और एल्स थोड़ी देर में मैं बता ही दूँगी कि वो फेमस है क्यों। सब लोगों ने कपड़े में एक पत्थर बांध के अपनी विश यहाँ पे बांध रखी है एंड जैसे ही वो विश पूरी होती है आपको ये पत्थर यहाँ से निकालना होता है। प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं करना, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ अ कॉटन क्लोथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नीचे देख सकते हैं ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। यहाँ ये माना जाता है कि अगर आप एक अपने लिए घर चाहते हैं तो आप ऐसे एक पत्थर के ऊपर पत्थर इमारत की जैसे खड़ी कर दीजिए। सो उससे क्या होएगा, आपका वो घर बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। सो लेट अस सी अगर हमारा भी पूरा होता है या नहीं। तो ऐसे हमने अपने घर बनाने की जो विश है वो यहाँ पे मांग ली है। लेट मी शो यू हमारा घर। कैन यू शो हमारा घर? ये बाउंड्री है तो हमारे घर। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स विठला टेंपल विश ट्री के बाद। सो इट्स चमेली का पेड़ एंड इट्स 160 ईयर ओल्ड ट्री जो कि अभी तक जिंदा है। पत्ते वत्ते झड़ गए हैं बिकॉज विंटर पे झड़ जाते हैं एंड दिखा दिए मैंने एंड फ्लावर्स अभी भी हैं। सो लेट अस जस्ट शो यू द विठला टेम्पल। टिकट इज 40 रुपीज पर पर्सन। दिस इज विठला टेम्पल। So, this is the entrance of the Vithala temple. Once you enter exactly on the left hand side, you'll find the kitchen which has a chimney on top of it. And then we have this hall, a long hall, which was used 500 years back during the kingdom. It was used during Vijayanagara kingdom for having prasadam because we have multiple temples over here as you can see. This is the most famous stone chariot in Vithala temple which we find in Hampi. After that we have this musical hall and then we have this marriage hall. And we have this marriage hall, Lagna Mantapa, which is known as in the local language.
ऑन द राइट हैंड साइड टू द चैरियट वी हैव द चैंटिंग हॉल. सो देयर यू फाइंड तुलसी मेधी. या सो इन फ्रंट ऑफ दिस चैरियट वी हैव दिस तुलसी मेधी. सो यहाँ पे तुलसी के पेड़ हुआ करते थे उस टाइम पे पूजा के लिए, जैसे हम हिंदूज के रिलीजन में यूज किया जाता है. सो दिस इज द तुलसी मेधी. यहाँ पे दिए जलाए करते थे एंड पूजा वगैरह किया करते थे उस टाइम पे. एंड उसके बाद इससे थोड़ा आगे जाएंगे सो वी हैव दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रसाद वगैरह भगवान जी को चढ़ाया जाता था. आफ्टर दैट वी हैव दिस वर्ल्ड फेमस chariot. Stone chariot. Which is also you can find in 50 rupees note. Yeah, which is also there in the 50 rupees note. Can you show the 50 rupees note? Yes, yes. This is the 50 rupees note in which we have this stone chariot. And the stone chariot is from Hampi. And we have the same dining hall and that mountain on the note as well. So, in this stone chariot, we have Garuda God. विष्णु जी के वाहन हुआ करते थे. एंड वो हम अगर फ्रंट पे आते हैं तो हम देख सकते हैं. फ्रॉम फ्रंट व्यू हमको ये स्टेयर्स मिलते हैं एंड अंदर पे हमको गरुड़ भगवान दिखते हैं जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट में विष्णु टेंपल में अंदर पे वहाँ विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति, विष्णु रुक्मिणी की मूर्ति हुआ करती थी, उनको प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये जो चैरियट है ये जब विजयनगर किंगडम पे कृष्णदेवराय ने जब गंगा डायनेस्टी को हराया था तो वहाँ पे भी सेम चैरियट था. तो उनको इतना पसंद आया उड़ीसा में जो कोणार्क टेंपल है उसमें भी आपको सेम चैरियट मिल जाएगी. तो उनसे प्रभाव होके ये जो राजा थे वो आए यहाँ पे और उन्होंने एग्जैक्टली सेम चैरियट बना दिया यहाँ पे. और ये कहा जाता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड फेमस करेक्ट. एंड ऑल्सो ये जो व्हील्स है ये पहले मूव होती थी. इट्स अ नॉन मूवेबल चैरियट बट इसकी व्हील्स जो हैं वो रोटेट होती थी बट अब रोटेट नहीं होती हैं बिकॉज वो घिस चुकी हैं एंड ख़राब हो चुकी हैं एंड इट्स डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ वॉर्स. एंड दिस इज़ द म्यूजिकल हॉल. इसमें जो ये छोटे छोटे पिलर्स हैं सामने से दिखाते हैं. सो ये है म्यूजिकल हॉल जहाँ पे एक साइड पे देवदासी एंड उस तरफ पे क्वींस के डांस करने के लिए फ्लोर था. एंड ये जो छोटे छोटे पिलर्स हैं ये सब पे उस टाइम पे राजा के टाइम पे जो म्यूजिशियंस थे चंदन की लकड़ियों से इन पे म्यूजिक बजाया करते थे. सो दिस विजय एम्पायर वाज फेमस फॉर ट्रेडिंग. तो ये उस टाइम पे मतलब 500 ईयर्स बैक ड्यूरिंग the kingdom of Vijayanagara second largest and the second richest trading center tha after Beijing. So yahan pe jitne bhi trading hua karte the usme se one of the trading is horse trading jo ki Vithla ke bilkul bahar pe jo weekly market rehta hai wahan pe hua karta tha. So usi ke kuch carvings humko yahan stone pe dikhenge. Let me just show it to you. So we have different traders who are checking for the horse health and their behavior, checking their teeth so that they can understand the age of the horse. After that we have different traders depicted over here like Mongolian, Portuguese, Arabic, Chinese. Then we have this deepam stand here. They used to put deep. This particular thing was used for curtain to tie the curtains from that top, from that hook. Flower and curtains. ये यहाँ पर tie होता था. Correct. And ये जो है ये miniature है पूरे temple का. And this is the miniature of this temple. Miniature में आप देखेंगे यहाँ पे जो कृष्ण के 10 अवतार थे. Grandi sir. अवतार देखेंगे ये जो है वामन अवतार है. मैडम सेम मिनिएचर आपको पूरे मंदिर पे दिख जाएगा. सी मैंने आपको बताया था अवतार के बारे में एंड दिस द परशुराम अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु. एंड आपको ये मैंने कहा था ये सेम जो है 10 अवतार जो हैं आपको पूरे टेंपल
तो आपको ये 10 जो अवतार हैं ये पूरे टेंपल में मिल जाएंगे आपको। एंड दो मैंने दिखा दिया आपको, एक तो वामन था एंड परशुराम जी का अवतार था। सिमिलर वे में और भी हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। सो ऐसे यहाँ पे 10 मिनिएचर्स हैं एंड 10 अवतार्स हैं गॉड के। जो डांस होता था सी यहाँ पे डांस फॉर्म जो है वो आपको दिखेगा, और ये वो सेम प्लेस है जहाँ पे डांस होता था, राइट। वी कैन सी कृष्णा यहाँ पे मक्खन खाते हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेक्स्ट कार्विंग है, वी कैन सी हनुमान जी एंड हनुमान के पाँव में शनि भगवान, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी ने शनि भगवान को बंदी बनाया था अपने साथ। सो ऐसे ही और भी कार्विंग्स यहाँ देखने को मिलती है जो मैं आपको आगे आगे दिखाती हुई चलूँगी। तो ये देव मंदिर का एंट्रेंस है। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे कृष्ण जी माखन खाते हुए, ऊपर पे हम देख सकते हैं कि कृष्ण जी, इधर से कृष्ण दिखते हैं, टॉडलर छोटे बेबी कृष्णा। ये तब के टाइम का 3D इमेज है। अगर आप राइट को आएंगे तो आपको पूरे कृष्ण दिखाएंगे, कृष्ण भगवान दिखेंगे आपको, और अगर लेफ्ट को आते हैं तो आपको कोई नृत्य करते हुए लेडी दिखेंगी। सो इसलिए यहाँ पे राधा कृष्ण को एक 3D इमेज के तौर से दर्शाया गया है। यहाँ पे यहाँ विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी माता की छवि है। यहाँ पे डांसिंग कृष्णा, यहाँ पे हनुमान जी संजीवनी टूटी उठा के लेके जाते हुए।